लास्ट टाइम हमने क्लास में पढ़ा था नोटपैड के बारे में, यानी कि एक हमने सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाना सीखी थी जिसमें हमने जाना था कि किस तरीके से सिंपल टेक्स्ट फाइल बनती है और क्या चीज़ होती है फाइल। आज हम जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं वर्डपैड के बारे में। तो वर्डपैड क्या है? वर्डपैड इज ऑल्सो ए टेक्स्ट एडिटर। ये भी नोटपैड की तरह दिखने वाला एक टेक्स्ट एडिटर है, पर ये थोड़ा इट इज एडवांस देन नोटपैड, और ये नोटपैड से एडवांस है। ठीक है, अब क्या एडवांस है इसके अंदर? एडवांस ये है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट एडिटर है वो है रिच टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसके क्या फीचर होते हैं? और इसकी जो फाइल टाइप है, इसकी जो फाइल टाइप है वो है RTF। RTF मतलब यही रिच टेक्स्ट और बॉक्स। तो अभी कैसे खोलते हैं वर्डपैड? तो यहाँ सर्च में जाके आप क्लिक करेंगे और टाइप करते हैं वर्डपैड, तो ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से जाके आप वर्डपैड पे टाइप कर दें, पूरा वर्डपैड आ रहा है। इसका आइकन नोट कर लें, इस तरह का आइकन है इसका। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो ये वर्डपैड आपके सामने इस तरह से लोड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम नोटपैड भी खोलें यहाँ से, तो नोटपैड और वर्डपैड में काफी फर्क है। देखिए, आप नोट करें, ये नोटपैड भी टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर ऐसे प्रोग्राम जो हमें टेक्स्ट लिखने की, सेव करने की सलाहियत देते, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी देते हैं। और वर्डपैड उससे थोड़ा एडवांस है। इसमें देखें, नोटपैड में मेन्यूज दिए गए हैं, जबकि वर्डपैड में पूरा रिबन दिया गया है। रिबन के अंदर होम टैब दिया गया है, व्यू टैब दिया गया है, और इसके अलावा होम टैब में फॉन्ट पैनल है, पैराग्राफ का पैनल है, इंसर्ट पैनल है, एडिटिंग पैनल है, व्यू टैब में इसकी एडजस्टमेंट है, जूम पैनल है, शो एंड हाइड है, सेटिंग्स का पैनल है। इसके अलावा इसमें एक फाइल का मेन्यू भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक शॉर्टकट के लिए कुछ कमांड्स भी दी गई। मतलब आप इसको, मतलब वर्डपैड को हम एज अ प्रोफेशनली यूज नहीं करते हैं, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज नहीं करते, लेकिन इसका जो समझने का मकसद है वो ये कि अगर हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमारे पास ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो उसमें ये हमें एक सॉफ्टवेयर छोटा सा मिल जाता है वर्डपैड, जो इसका बिल्ट इन प्रोग्राम है। अब इसके अंदर हमें एक तरगीब मिलती है, एक हमें सेंस मिलता है कि भाई आगे जो सॉफ्टवेयर आने हैं वो उसमें किस तरह से एडवांस होंगे। तो देखिए, इसमें आपको एक क्विक एक्सेस टूल बार भी दिया गया है, क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें यही कमांड जो न्यू, ओपन, सेव, सेवेज की दी गई है, यहाँ पे आप इन्हीं के आइकन्स को नोट करें। ये आपको समझाया जा रहा है कि ये स्टैंडर्ड आइकन है, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर में जब ये आइकन आप देखेंगे तो उस आइकन का मतलब न्यू है, और वो आइकन आपको एज अ शॉर्टकट में भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो भी यही कमांड परफॉर्म होंगे, और यहाँ क्लिक करेंगे तो भी यही कमांड परफॉर्म होंगे, सेवेज। और यहाँ पे देखें, ये दो उसमें एक नई चीज जो इंट्रोड्यूस कराई गई है। नोटपैड में तो खाली अंडू था, तो यहाँ पे देखिए अंडू की कमांड थी जो रिवर्स करने के काम में आ रही है, जबकि वर्डपैड में यहाँ पर देखें कमांड लिखी भी नहीं है, लेकिन अब इस निशान को आपने समझना है। मैं मैग्नीफायर से ऑन करके आपको निशान भी दिखा देता हूँ सही तरीके से। इस निशान को समझना है आपने कि ये जो निशान है, ये निशान किसी भी सॉफ्टवेयर में दिखाई दे, ये राइट आई थिंक सब सामने बैठे हुए, तो लेफ्ट साइड पर बुलावा जो एरो है ये अंडू को रिप्रेजेंट करेगा, अंडू की कमांड है। और थोड़ी देर एरो रखेंगे तो ये देखिए इसकी एक टिप भी निकल के आ रही है, उसमें बता रहा है अंडू और शॉर्ट की भी बताई हुई है, उसके नीचे उसका काम भी होता है। और ये जो अगर आपको आइकन नजर आया तो ये रीडू को रिप्रेजेंट करेगा, रीडू मतलब जो अंडू करेंगे उसी चीज को रीडू भी आप इसमें कर सकते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार, और इसमें और भी कमांड्स आप अवेल कर सकते हैं। न्यू की कमांड है, जैसे कि प्रिंट प्रीव्यू की कमांड है, और इसके अलावा अंडू रीडू की कमांड से। और ये जो निशान देख रहे हैं इनको हम चेक बॉक्सेस कहते हैं, यहाँ से जैसे चेक हटाएंगे तो वो कमांड यहाँ से थोड़ी देर के लिए डिसअपियर हो जाएगी, उसके एक चेक लगाएंगे तो दोबारा से अपियर हो जाएगी। यहाँ से उस कमांड्स को मैंने हटा दिया जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं थी, तो ये ओपन की कमांड है। सेम आइकन आप मैच कर सकते हैं, देखिए न्यू के लिए न्यू का आइकन दिया गया है, ओपन के लिए ओपन का आइकन दिया गया है, सेव के लिए सेव का आइकन दिया गया है, सेव एज के लिए सेव एज का आइकन तो नहीं दिया गया, उसकी कमांड शॉर्टकट के तौर पर नहीं है, लेकिन आप प्रिंट प्रीव्यू के लिए, प्रिंट के लिए आइकन दिया गया है। ठीक है, एग्जिट का आइकन कुछ इस तरह, देखिए ओपन में एरो इस तरह से आ रहा है, और जबकि एग्जिट पे आइकन इस तरह से आ रहा है। तो मतलब यही कमांड आप एज अ शॉर्टकट यहाँ से भी कन्फर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, सपोज टू बी, तो यहाँ से अब हम आ गए हैं वर्डपैड के ऊपर। तो ये हमारा वर्डपैड है, और उसमें एक नई चीज आपको दिखेगी, इसको हम कहते हैं रूलर। रूलर यानी कि ये हमारा स्केल है एक तरह से, जिसमें ये जो ये वाली जो एरिया ग्रे नजर आ रही है, हमारी मार्जिन लाइन है, ये लेफ्ट मार्जिन लाइन है
और ये रेड राइट मार्जिन लाइन है। अब ये जो मार्जिन लाइन होती है बेसिकली ये नॉन प्रिंटिंग एरियाज होते हैं, ब्लैंक पेपर पे हम ये दो एरियाज इसके यूज नहीं करना चाह रहे। और उसमें देखे मेजरमेंट से मौजूद है जो इंचेस में है, देखिए 1 इंच का मार्जिन लेफ्ट साइड से आपने छोड़ दिया है इसमें, और 1 से कुछ ज्यादा का मार्जिन आपने राइट से छोड़ दिया। तो अब आपके लिए जो कंज्यूमेबल पेज होगा जिसको आप टाइप कर सकते हैं वो ये 1 इंच यहाँ पर है, दूसरा इंच, तीसरा, थर्ड, फोर एंड फाइव एंड 6 इंचेस जो है वो आपके पास है जिसमें आप टाइप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का मामला है। अब इसमें जो पहले इसका इंटरफेस है वर्डपैड का, इसको जरा हम समझ लेते हैं। तो देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर में जहाँ ये ऊपर किस्म का एक बार आ रहा होता है, इस बार पर आप देख रहे हैं कि यू कैन से सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है वर्डपैड, और यहाँ पे जो अभी अपने साथ एक न्यू फाइल लेके खुला है जिसका नाम इसने अपने तौर पर रखा है डॉक्यूमेंट, तो इसको हम कहते हैं टाइटल बार। और ये वही कंट्रोल बॉक्स मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर, आपके तौर पे नीचे शट कर देना, दोबारा रिस्टोर कर लेना, रिस्टोर कर देना, मैक्सिमाइज कर देना, क्लोज भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये क्विक एक्सेस टूल बार नई चीज आई है इसके अंदर, क्विक एक्सेस टूल बार शॉर्टकट कमांड के तौर पे। इसके नीचे आएंगे तो ये पूरा रिबन है, रिबन के अंदर यहाँ पे फाइल का मेन्यू है जिसमें न्यू, ओपन, सेव, सेवेयर से रिलेटेड कमांड है जो फाइल से रिलेटेड होगी, जो एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म की जा सकते हैं। ये पूरा रिबन है, रिबन में होम टैब है जिसमें कॉपी पेस्ट की कमांड्स यहाँ पे दी गई है, मेन्यू के बजाय अब टैब दे दिए गए, मतलब हमें बताया जा रहा है कि अब जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे उसके अंदर मेन्यूज नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, टैब्स होंगे। तो टैब्स यहाँ दे दिए गए हैं, व्यू का पूरा एक टैब है जिसके अंदर कुछ कमांड्स यहाँ दे दी गई है, फॉन्ट से रिलेटेड कमांड यहाँ पर है, पैराग्राफ से रिलेटेड कमांड यहाँ पर है, कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स हैं इंसर्ट से रिलेटेड, कुछ और चीज़ ऐड कराना चाहते हैं। अच्छा, अब इस रिबन की जो हैंडलिंग है वो बहुत आसान है कि आप इस रिबन को यहाँ से ऐसे क्लिक करके मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मतलब अब ये मिनिमाइज हो गया है, और जब इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोबारा से दोबारा शो ऑफ भी हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन हैं, आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आ जाए तो ये आपका पूरा पेज है जिसपे आप टाइप वगैरह कर सकते हैं, और नीचे आएंगे अगर यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको स्टेटस बार नजर आ रहा है जहाँ से आप अपना फोकस सेट कर सकते हैं। फोकस जैसे मोबाइल पे किसी पिक्चर को हम जूम इन जूम आउट करते हैं अपने हिसाब से, तो इसमें भी हम अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं जिससे हम अपना फोकस सेट कर सकते हैं। यूजुअली किसी भी चीज को व्यू करने के लिए 100% व्यू पॉइंट जो होता है वो बेहतर होता है, लेकिन अगर आप यहाँ से जूम स्लाइडर को जूम स्लाइडर से कम करेंगे तो ये जूम आउट हो गया, और यहाँ से जूम इन करेंगे तो ये लार्ज हो जाएगा। यहाँ से आपको इस तरीके से जितना अपने हिसाब से जूम करके देखना चाहें कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड जो है इसका वो 100 है यहाँ पे, जो आप यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कर्सर आ रहा है जिस पर आप टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड पैड में ये देखेंगे कि अपनी फाइल को किस तरह से हम सेव करेंगे, अपनी फाइल को किस तरह से हम सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल सेव करने के लिए फाइल के मेन्यू में जाएंगे एंड देन क्लिक करेंगे सेव के ऊपर, तो ये हमारे पास देखिए सेव का डायलॉग बॉक्स खुल गया। देखिए वही सेम नोटपैड वाला प्रोसेस है इसके अंदर, तो याद रखें आगे जितने भी सॉफ्टवेयर आप सीखेंगे उसके अंदर यही प्रोसेस यूज होने वाला है, तो आप सीख लेंगे किस तरह से सेव कर लिए। लेकिन एक फर्क है, देखिए नोटपैड की फाइल सेव करते थे तो उसकी टाइप होती थी टीएक्सटी, मतलब अभी नोटपैड खोलते हैं और उसमें हम जाए यहाँ से सेव किया फाइल को, तो यहाँ पे जो उसकी फाइल की टाइप आ रही है .txt आ रही है, यानी कि इसकी टेक्स्ट फाइल बनेगी। जबकि वर्डपैड की जो फाइल की टाइप आ रही है आप देख सकते हैं इधर, ये वो है RTF, क्या है RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये इसकी RTF टाइप है। तो इसको सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और डॉक्यूमेंट्स में हम सेव करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और अगर हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे जितने फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कल हमने फोल्डर बनाया था कंप्यूटर के नाम का, तो कंप्यूटर का फोल्डर भी, एक्सटर्नल ड्राइव फोल्डर भी है, मेमोरी कार्ड के नाम से फोल्डर भी हमें नजर आ रहा है, और हमने 18 फोल्डर बनाए हैं। अब इसमें से किसी में भी सेव करनी है तो उसको खोल लेंगे, तो कह रहा है कि ठीक है आप यहाँ सेव करना चाह रहे हैं, तो ये एड्रेस बार के ऊपर वो हमें दिखा भी रहा है कि भाई आप कंप्यूटर में सेव करना चाह रहे हैं। तो इसने अपनी तरफ से इसका नाम रखा है डॉक्यूमेंट और टाइप है RTF। अब हम क्या इसका नाम रखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम इसकी फाइल का नाम रखना चाह रहे हैं Class 01 Introduction, तो ये हमारी इस फाइल का नाम हो गया, टाइप किया और हमने सेव कर दिया। तो अब ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे टाइटल बार पे जो फाइल का नाम आपने सजेस्ट किया था वो भी नजर आ रहा है, उसकी टाइप भी नजर आ रही है। तो इस तरह से आपने एक फाइल सक्सेसफुली सेव कर ली। अब आप इसके अंदर टाइप कर रहे हैं कुछ भी टाइप करें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा वर्ड पेज इंट्रोडक्शन टू वर्ड पेड लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन टू वर्ड पेज, तो ये हमने वर्ड पेड लिख दिया। अब इसको यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लिया मैंने कैसे टेक्स्ट को, और यहाँ से देखें अब आपको एक नया फीचर मिल रहा है। पहले हम फॉन्ट के साइज को एक बॉक्स खोल रहे थे, यानी कि नोट पैड पे कैसे करते थे हम, इसमें पहले हम यहाँ से जो है एक फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोलते थे और फिर उसमें फॉन्ट बढ़ाते थे,
तो जितने भी टेक्स्ट लिखे होते थे यहाँ पे सबका ही फॉन्ट एक साथ बढ़ जाता था, सबका ही फॉन्ट एक साथ चेंज हो जाता था, सबका ही स्टाइल एक साथ चेंज हो जाता था, कम हो जाता था, ज्यादा हो जाता था। लेकिन वर्ड पेड में आपको थोड़ा एडवांस कर दिया है, कैसे कि आप सेलेक्ट करें इसको, जो सेलेक्ट किया है सिर्फ आप उसी का, और एक नई टेक्निक दे दी आपको कि दो तरीके हैं फॉन्ट का साइज बढ़ाने के, यहाँ पे क्लिक करें इस बॉक्स पे और फिर यहाँ से आप जितना साइज चाह रहे हैं उसका बढ़ा लें, ये लिखा हुआ है पॉइंट्स के अंदर साइज, वैसे बढ़ जाएगा। दूसरा ये बटन दिए गए कि यहाँ से आप अपने साइज को देखिए, यहाँ से आप अपने साइज को बढ़ा सकते हैं फॉन्ट के, दो दो पॉइंट करके बढ़ा है, और यहाँ से इससे छोटा कर सकते हैं फॉन्ट के साइज को इस तरीके से, ठीक है। तीसरा फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए जो आपने सिलेक्टेड आपका टेक्स्ट है उसको आपने यहाँ से क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे फॉन्ट के स्टाइल यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कितने सारे फॉन्ट्स के स्टाइल है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि यार ये वाला फॉन्ट मेरे टेक्स्ट पे कैसा लगेगा, आप अप्लाई ना करें, आप उस पर थोड़ी देर अपना एरो रखें तो ये लाइव व्यू में आपको उसमें कन्वर्ट करके दिखाएगा। माइट बी कि दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको दिखा देंगे, नहीं तो यहाँ पे देखें आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उसमें कन्वर्ट कर देगा। देखिए मैंने यहाँ पे इसे क्लिक किया है तो यहाँ पर ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे इसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ से इसका फॉन्ट साइज जो है यहाँ से ये कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये देखिए मैं जो फॉन्ट में चाह रहा हूँ उसको मैं इसको यहाँ से कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये कन्वर्ट होता जा रहा है और ये डिफरेंट फॉन्ट इस पर लगते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो फॉन्ट के साथ हमारे पास यहाँ पे और एक दो चार फीचर्स ऐड कर दिए इन्होंने, बोल्ड बी। अब इस निशान को आप नोट कर लें, ये जितने भी सॉफ्टवेयर आएंगे जहां पर ये इस तरह का बी बना हुआ होगा, जहां पर ये इस तरह का बी बना हुआ होगा तो उस बी का मकसद है कि ये देखिए भी नोट कर लीजिएगा, इस बी का मकसद है बोल्ड मतलब गहरा। ये देखें ये थोड़ा सा क्लिक हटाएंगे तो ये अनबोल्ड हो गया, मतलब थोड़ा फॉन्ट थिन हो गया, पतला हो गया, और जैसे क्लिक कर रहे हैं तो थिक हो गया, थोड़ा गहरा हो गया, बी फॉर बोल्ड, बोल्ड माने गहरा। तो इस तरीके से आप उसको गहरा कर सकते हैं, बोल्ड और अनबोल्ड, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इटैलिक और अन इटैलिक, टेढ़ा और सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से इटैलिक टेढ़ा करेंगे और यहाँ से अन इटैलिक करके सीधा करेंगे, तो बोल्ड अनबोल्ड अंडरलाइन नो अंडरलाइन अंडरलाइन नो अंडरलाइन दोनों को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हर किसी में ये इसी तरीके से आपको नजर आएगा। उसके बाद फॉन्ट का कलर जो है वो यहाँ से हम इसका चेंज कर सकते हैं, जो भी मैंने सेलेक्ट किया है वो मुझे अपना फॉन्ट चेंज करना है कलर, तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये चीज़ हम नोटपैड में नहीं कर पा रहे थे, इसमें बखूबी और इजीली हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फॉन्ट के बाद ये फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके चॉइस है कि अगर आप इसका कलर कुछ और रखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके इसका कलर कुछ और रख सकते हैं, और ये चीज़ हमें इसका कलर कुछ और रख सकते हैं, तो यहाँ से क्लिक करके ये फीचर हमें वर्ड पैड में नोट पैड में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे, ये वर्ड पेंट में। और इस तरह से सेलेक्ट करके अगर इसका फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया, और दोबारा से खत्म करना है अगर इसको तो दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से जाके नो कलर कर देना है, खत्म हो जाएगा। और इसको दोबारा से ब्लैक करना है तो यहाँ से क्लिक करके हमें इसको ऑटोमेटिक कर देना है तो दोबारा से ब्लैक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर इंजॉय कर सकते हैं जो कि नोट पैड में अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, अब उसका कॉपी पेस्ट का ऑपरेशन भी बड़ा ईजी कर दिया इसके अंदर, कि अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद अपना कर्सर की पोजिशन चेंज करते हैं तो यहाँ पर जब आप इंटर दबाएंगे, देखिए मैंने यहाँ से आके इंटर दबाया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्सर में दो लाइन का गेप आ गया, एक तो ये और दूसरा ये, तो यहाँ पे लाइन चेंज नहीं होगी। बेसिकली वर्ड पेड में जब आप इंटर दबाएंगे तो पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, पैराग्राफ, एक नया पैराग्राफ आ जाएगा, नया पैराग्राफ में दो लाइन का गेप आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपने कॉपी तो कर लिया, यही से क्या कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। दोबारा देखिए इंटर किया मैंने यहाँ पे और यहाँ से क्या कर दिया इसको पेस्ट, और दोबारा से इंटर कर दिया और इसको दोबारा से क्या कर दिया यहाँ पे पेस्ट। तो देखिए इस तरह से, और ऑपरेशन को और फास्ट करना है तो मैंने सेलेक्ट किया सबको, यहीं से क्या कर लिया कॉपी, और उसके बाद कर्सर की पोजीशन भी यहीं पे सेट किया और यहाँ से क्या कर दिया पेस्ट। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट के ऑपरेशन भी साफ इजीली हो जाएंगे, बार बार मेन्यू में जाना नहीं पड़ेगा। अब कट पेस्ट में क्या होगा, सपोज टू बी यहाँ से मैंने यहाँ पे एक एन का इजाफा किया और उसको सेलेक्ट किया यहाँ से और उसको क्या किया यहाँ से कट, और उसको आगे कर्सर की पोजीशन को सेट करके और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया पेस्ट, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कट पेस्ट भी इजीली किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरीके से हो सकता है पूरी लाइन को मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और क्या कर दिया कट, और कहाँ पे रखना है मैंने वहाँ पे कर्सर की पोजीशन को सेट किया और वहाँ पे जाके कर्सर की पोजीशन को पेस्ट कर दिया यहाँ पे पेस्ट, तो वहाँ से कट हो गया और यहाँ पे देखिए पेस्ट हो गया। तो इस तरह से कट पेस्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो गेप आ गया इसको कैसे कवर करेंगे, देखिए यहाँ पे दो चॉइस है। एक चॉइस तो ये कि मैं डिलीट का बटन दबाऊं कीबोर्ड से, यानी कि कीबोर्ड से डिलीट का बटन, मतलब ये है कि ये वाला बटन जिस पर डी ई एल लिखा होता है, डिलीट का बटन दबाऊं,
ये वाला बटन दबाऊं तो वो टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर ले ले। किस तरह से? जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और डिलीट का बटन दबाया कीबोर्ड से, तो ये नीचे वाला टेक्स्ट ऊपर हो गया और लाइन का बीच का स्पेस खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप इसको गैप को खत्म कर सकते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट भी क्लियर हो गया हमारे। ठीक है, अब हम आते हैं कि पैराग्राफ की सेटिंग्स क्या होती है। अब पैराग्राफ की सेटिंग्स में यहाँ पर आप देखें कि जब हम टेक्स्ट को टाइप कर रहे होते हैं, बेसिकली इंग्लिश का कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं, तो उसमें हो ये रहा होता है कि वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। कहाँ से स्टार्ट होता है? वो लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट से शुरू हो रहा है। अभी देखिए मैं एंटर करके कुछ भी टाइप करूंगा, वी आर लर्निंग वर्डपैड। ठीक है, तो देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, वो लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे हम उसको, उसका सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, वो हमारे अख्तियार में है। वर्डपैड में हर चीज़ अलग अलग मैनेज की जा सकती है। अब हमारे पास जो इसके अंदर मुख्तलिफ राइटिंग स्टाइल दिए गए हैं, वो राइटिंग स्टाइल क्या है? मिसाल के तौर पे पैराग्राफ की जो सेटिंग्स है, अब ये लेफ्ट पर है, आप चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल राइट पर आ जाए, मतलब ये आपका लेफ्ट मार्जिन है ना, ये लेफ्ट पर है, तो आप इसको चाह रहे हैं ये राइट पर आ जाए, राइट मार्जिन है ना, तो आप इसको करेंगे यहाँ पे राइट। ये देखिए इसको क्लिक करके मैंने क्या कि राइट। ठीक है, तो जिस चीज को मैं राइट साइड पे चाह रहा हूँ राइट कर दे, बजाय इसके कि हम स्पेस दबाएं इतने सारे, तो ये राइट पर हो गया। तो ये बस इजीली आसान है ना इस तरीके से। तो ये हो गया राइट अलाइन, अब ये हो गया लेफ्ट अलाइन, ये हो गया राइट अलाइन। ठीक है, अलाइन माइनस उसको जो हमने सेटिंग्स करी के भाई लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। अब चाहते हैं हम कि बिल्कुल सेंटर में आ जाए, क्या आ जाए? सेंटर में। तो पैराग्राफ सेंटर की जो सेटिंग है वो यहाँ से आप सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सेंटर का इशारा भी इसमें दिया गया है। तो जिसको सेंटर में करना है वो यहाँ सेंटर से कर लेंगे, जिसको राइट पे करना है वो राइट पे कर देंगे, जिसको लेफ्ट करना है वो लेफ्ट कर देंगे। अच्छा, अब उसके बाद आता है एक और ऑप्शन, जस्टिफाई। अब ये जो अप्लाई होगा ना, ये इनमें से किसी पे भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी मैंने जितना काम किया है उसको सेव कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ सेव पे क्लिक कर दिया और ये मेरा काम हो गया सेव। शॉर्टकट है यहाँ से सेव कर लेते। अब वो क्यों नहीं अप्लाई होगा? देखिए उसकी वजूहत है, ये जो ऑप्शन है ना जस्टिफाई, ये अप्लाई होगा एक से ज्यादा लाइन वाले पैराग्राफ के ऊपर। किसके ऊपर? एक से ज्यादा लाइन, मोर देन वन लाइन पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। मोर देन वन पैराग्राफ का मतलब क्या है? देखो ये एक लाइन का पैराग्राफ है, ये भी एक लाइन का है, ये भी एक लाइन का है, ये भी एक लाइन का है। अब एक से ज्यादा लाइन का पैराग्राफ कैसे लिखते हैं उसका देखिए। यानी कि ऐसा पैराग्राफ जिसको आप कंटिन्यूसली टाइप करें और वो खुद ही लाइन चेंज करें। मतलब कैसे करेगा? ये 16 के फॉन्ट पर मैं यहाँ टाइप करता हूँ, सपोज आप यहाँ लिखते हैं वर्ड पेड के बारे में, वर्ड पेड इज एन इज अ विंडोज बिल्ट इन टेक्स्ट रिच टेक्स्ट एडिटर विच इज अवेलेबल। आप देखिए यहाँ पे मैं एंड मार्जिन पे पहुंच रहा हूँ और मैं इंटर नहीं दबा रहा हूँ, खुद ही लाइन चेंज करेगा क्योंकि मार्जिन खत्म हो गया था। टेक्स्ट नीचे विच अवेलेबल इन एवरी इन ईच वर्जन ऑफ विंडोज इट इज वाइडली यूज टू राइट लेटर एप्लीकेशन एसेस एंड सो ऑन। तो ये देखिए मैंने तीन लाइन का एक कंप्लीट पैराग्राफ किया, तीन लाइन का पैराग्राफ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एंटर इसमें नहीं दबाया। अब एंटर दबाऊंगा तो पैराग्राफ चेंज हो गया। अब इस पैराग्राफ को मैं अगर चाहता हूँ कि अगर देखिए अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो ये राइट साइड पे बैलेंस हो रहा है और लेफ्ट साइड से डिसबैलेंस हो रहा है, अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट साइड से बैलेंस हो रहा है राइट साइड से डिसबैलेंस हो रहा है, और अगर मैं सेंटर करता हूँ तो दोनों साइड से डिसबैलेंस है और बीच में टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको जस्टिफाई, तो आप देखेंगे दोनों साइड से क्या हो गया? इक्वल हो गया, दोनों साइड से इक्वल हो गया। तो ये है जस्टिफाई, लेकिन याद रखें ये एक से ज्यादा लाइन वाले पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, अप्लाई होगा, हाँ सिंगल लाइन पैराग्राफ पर अप्लाई नहीं होगा। अब आते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, ये दो कमांड है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, मतलब थोड़ा सा आगे करके लिखना है, आप बिल्कुल सेंटर पे नहीं चाह रहे पर आप लेफ्ट साइड से थोड़ा आगे करके लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप करेंगे इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, ओके, अब राइट साइड से है तो आप तो करेंगे डिक्रीज इंडेंट। अब ये इस पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों काम नहीं कर रहे क्योंकि राइट अलाइन पर है तो लेफ्ट पर रखते हैं, तो यहाँ पर क्या इंक्रीज इंडेंट, और दोबारा से पीछे करना चाह रहे हैं तो डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, इंक्रीज इंडेंट थोड़ा थोड़ा आगे करना चाह रहे हैं एक एक टैप के गैप से, और डिक्रीज इंडेंट इस तरह से इसको करके यूज कर सकते हैं। अब आते हैं बुलेट्स के ऊपर। बुलेट्स क्या, जैसे आप कॉपीज पे पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं,
तो हाईलाइट करने के लिए आप डॉट लगाते हैं, नंबर लगाते हैं, तो इसमें भी दो तरह के बुलेट्स हैं आपके पास। यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हैं सेलेक्ट करके, यहाँ पर आप इनको जो है नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं एक सीक्वेंस शो करने के लिए, और यहाँ पर आप ABC और कैपिटल और रोमन भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली जब खत्म करना हो तो आप इसको यहीं पे सेलेक्ट करके दोबारा से यहाँ पे डन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बुलेट्स। बुलेट्स का इस्तेमाल हम ये भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं देयर आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर जैसे हमने यहाँ पे लिखा CPU, LCD, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, और अब इनको हाईलाइट करने के लिए हमने क्या किया, इनको बुलेट अप्लाई कर दिए। वेदर यू कैन अप्लाई डॉट नंबर जब चाहे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं हमारे पास लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या है, देखिए अभी जब इंटर कर रहे थे पैराग्राफ में तो दो लाइन का गैप आ रहा है ना इनके अंदर, तो इनके गैप लाइन गैप को कम ज्यादा करने के लिए आप यूज करेंगे लाइन स्पेसिंग वाली कमांड, ये वाली कमांड। अभी देखिए अभी इनके अंदर जो ज्यादा गैप आ रहा है क्योंकि पैराग्राफ में 10 पॉइंट का स्पेस है आफ्टर पैराग्राफ ना, जैसे ही स्पेस चेक हटाएंगे तो ये करीब हो गए। अब ये पैराग्राफ स्पेस रिमूव कर दिया, अब लाइन स्पेस को आपने कम कर दिया। लाइन स्पेस को आप बढ़ा सकते हैं, एक लाइन, सवा लाइन, डेढ़ लाइन, टू लाइन स्पेस भी दे सकते हैं, और यहाँ से स्पेस को वन लाइन पे मिला सकते हैं, और पैराग्राफ स्पेस में 10 पॉइंट एड भी कर सकते हैं, और यहाँ से 10 पॉइंट को रिमूव भी कर सकते हैं, ईच एंड एवरी पैराग्राफ कर सकते हैं आप इसको। तो दोबारा से यहाँ से पैराग्राफ लिए, यहाँ से 10 पॉइंट का स्पेस कम किया तो स्पेस कम हो गया, लाइन का स्पेस कम किया, और अगर लाइन का स्पेस बढ़ाना है तो बढ़ा दिया, कम करना है तो कम कर लिया, और 10 पॉइंट का स्पेस पैराग्राफ में ऐड करना है तो यहाँ से आप इस तरह से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कमांड ये भी क्लियर हो गई पैराग्राफ से रिलेटेड, तो तीनों सेक्शन क्लियर हो गए। अब हम आते हैं एडिटिंग के सेक्शन के ऊपर, ये वही है जिसमें अगर आप कोई फाइंड करना है वर्ड तो आप यहाँ शुरू में क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइंड पे क्लिक करेंगे, तो सेम कमांड है जो नोट पैड में आपने लास्ट से सीखी थी, बस इसका ऑपरेशन यहाँ से दे दिया है। अब जो सर्च करना है इसको सर्च कर दें, और इसको आप जैसे ही क्लिक करके एंटर करेंगे तो अगर मिल गया तो ठीक है, और अगर कोई ऐसा लिख रहा है जिसका नहीं है तो ये कहेगा मुझे इसमें नहीं मिल रहा। ठीक है, तो रिप्लेस कमांड सेम जो कल समझाई थी आपको, सेम कमांड है सेम बिल्कुल, लेकिन ऑपरेशन थोड़ा सा सामने दे दिया गया, तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। आप कौन से वर्ड की जगह क्या चाह रहे हैं आप देखना, तो आपने कहा भाई जहाँ पे वर्ड पेड लिखा हुआ है वहाँ पर वर्ड पेड WORDPAD कैपिटल के साथ रिप्लेस ऑल कर दिया, तो ये देखिए सारा का सारा रिप्लेस हो गया। तो उसके बाद हमारे चलते हैं सेलेक्ट ऑल की कमांड, ये एक लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, मैं सबको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ सेलेक्ट ऑल, तो सारा सेलेक्ट हो गया। अब डिलीट से हम डिलीट कर सकते हैं, कॉपी से कॉपी कर सकते हैं, कट से कट कर सकते हैं, और पेस्ट से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका मामला इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी कमांड हमारी यहाँ पे कम्प्लीट होगी। अब आ गए एक छोटी सी कमांड है जिसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, जिसका नाम है इंसर्ट पिक्चर। अब कोई पिक्चर आपके कंप्यूटर में सेव है और वो आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कराना चाह रहे हैं। अब देखिए मेरे कंप्यूटर में पिक्चर कहाँ सेव है पहले देख लें, मैं गया डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक फोल्डर लिया लेटेस्ट का, और इस लेटेस्ट के फोल्डर के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स मेरी सेव है। इनमें से कोई एक पिक्चर लेना चाह रहा हूँ, ये वाली लेना चाह रहा हूँ, ये वाली लेना चाह रहा हूँ, कोई भी पिक्चर लेना चाह रहा हूँ, और वो मैं अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, जहाँ पे ऐड करना है वहाँ पे कर्सर रखना है, पिक्चर पे क्लिक करना है, और यहाँ से फिर वही तरीका कि आपको कहाँ सेव थी पिक्चर, तो मैं यहाँ से ऑर्गेनाइज में जाके लेआउट में जाके अपना नेविगेशन ऑन कर रहा हूँ ताकि मुझे इस साइड में नेविगेशन नजर आए, और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं क्लिक करके लेटेस्ट के फोल्डर में जा रहा हूँ, और लेटेस्ट के फोल्डर में जाने के बाद यहाँ से क्लिक करके वो पिक्चर जो मैं ऐड कराना चाह रहा हूँ उस पर क्लिक करूँगा और उसको ओपन कर दूँगा, ये पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। पिक्चर का साइज जरा ज्यादा है, शायद टाइम दे रहा है ये। मेरा ख्याल है पिक्चर का साइज ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसलिए वो नॉट रिस्पॉन्डिंग ऊपर लिखा हुआ आ गया, मतलब ये एप्लीकेशन काम करना ही छोड़ दे। तो हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को बंद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए राइट बटन दबाएंगे टास्क मैनेजर पे, यहाँ से खोलेंगे टास्क मैनेजर, कभी ऐसा हो जाए कोई एप्लीकेशन हैंग हो जाए तो उसको बंद करने का तरीका, प्रोसेस में जाएंगे, यहाँ पे देखिए कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है वर्डपैड, ये लिखा रहा है, तो राइट बटन दबाएंगे एंड टास्क कर देंगे और ये बंद हो जाएगा, फिर इसको भी बंद कर देंगे। तो उसके बाद दोबारा से खोल लेते हैं वर्डपैड, तो यहाँ से हमने वर्डपैड खोला और यहाँ से एप्लीकेशन का ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने पे आ गया वर्डपैड, क्लिक किया, ओके अब ये नई फाइल लेके खुल गया, तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, और वो कहाँ सेव किया था हमने, डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर में, क्लास 01 एंड अदर वर्डपैड फाइल, ये मैंने फाइल का नाम रख दिया,
इसमें सेव कर दिया, हेलो वी आर लर्निंग वर्डपैड। अब दोबारा से कोई छोटी पिक्चर ऐड कराने की कोशिश करता हूँ, पिक्चर पर आ गए उसी फोल्डर के अंदर, ये बलून की पिक्चर ऐड करा लेते हैं, ये देखें सिंपली सेक्शन ऐड हो गई, छोटी पिक्चर थी वो बड़ी थी नहीं ऊपर की, पिक्चर को भी देखिए कंट्रोल हैंडल आ रहे हैं, इसको इस तरह से छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसको रीसाइज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको भी पैराग्राफ में सेंटर राइट लेफ्ट पे जहाँ चाहें सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर डेट टाइम आप टाइप भी कर सकते हैं और ऐड कराना चाहते हैं तो डेट टाइम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल से डेट और टाइम लिखे आ रहे हैं, क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो डेट और टाइम इसके अंदर ऐड हो जाएगा, फिर उसका फॉन्ट साइज वगैरह हम ज़्यादा कर सकते हैं, सेव कर लें यहाँ से। अच्छा उसके बाद व्यू में जाके यहाँ से अपना जूम इन जो काम यहाँ से ले रहे थे, जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं, ज़्यादा जूम इन या जूम आउट हो गया तो 100% पे जूम यहाँ से कर सकते हैं, ये रूलर जो है ऑफ कर सकते हैं यहाँ से चेक लगा के ऑन कर सकते हैं, स्टेटस बार ये जो पूरा बना हुआ आ रहा है इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं ऑन कर सकते हैं, तो ये सिंपली से स्टेप आप इस पर कर सकते हैं। अब ये फाइल आपकी सेव हो गई है, पिछली फाइल आप ओपन करके देखना चाह रहे हैं वर्डपैड की, तरीका ये है कि फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करेंगे और उसी फोल्डर में जाएंगे जहाँ आपने फाइल सेव की है, तो देखिए ये सारी नोटपैड की फाइल है जिनकी टाइप टीएक्सटी, इनका आइकन भी नोट कर लें थोड़ा सा लार्ज स्क्रीन करके, और वर्डपैड की आइकन नोट कर लें उनकी टाइप आरटीएक्स, पिछली वाली फाइल को क्लिक करके ओपन किया तो ये वाली फाइल अभी ओपन ही है, और दूसरी वाली फाइल पे क्लिक किया जो हमने पहले बनाई थी उसको ओपन किया तो ये देखिए पिछली वाली फाइल भी हमारी खुल गई। इस तरह से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, और अभी फिर हमें एक नई फाइल चाहिए यहाँ रहते पे तो न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये एक न्यू फाइल फिर आ जाएगी हमारे सामने और फिर हम सेव कर लेते हैं यहाँ से क्लिक करके, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं सपोज वर्डपैड फाइल 03, क्लिक करेंगे ये एक और फाइल इसके अंदर सेव हो गई। तो इस तरीके से हम इसके अंदर फाइल्स वगैरह को सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा वर्डपैड जिसको हम बेहतर तरीके से यूज करके बेहतर टेक्स्ट फाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं।